हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज अपने प्रोग्राम इंग्लैंड देसी ढाबा में आपके लिए नहायत मज़ेदार रेसिपी वाइट चिकन कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये जान सकें कि ये किस तरह बनाई गई है। शुक्रिया। तो ये देखते हैं, सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके लिए 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। मैंने क्रीम ली है इसके लिए तकरीबन 300 मिलीलीटर। ये हमने कुछ हरी मिर्च और अदरक काटा है, लेकिन ये बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके साथ मैंने कोकोनट पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून। साल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने इसमें सिरका और लेमन है। इसमें जो मसाले डालेंगे वो इस तरह है, मैंने ज़ीरे को मैंने पीस लिया है, ये 1 टीस्पून है। काली मिर्च 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मैंने लिए है वाइट पेपर, और चाइनीज़ सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और के साथ गरम मसाला है 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून है काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके लिए मैंने 3 टीस्पून अदरक और 3 टीस्पून लहसुन मैंने लिया है इसके लिए पेस्ट उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में। इसमें मैंने चिकन को डीप फ्राई करना है, और उसके बाद हमने जो ऑयल ज़्यादा होगा इसको निकाल के हमने थोड़ा कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हमने चिकन डालना है। ये अब मैं इसमें चिकन डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस चिकन को अब डीप फ्राई करना है इस ऑयल में, और इसको तकरीबन मैंने 7 मिनट के लिए डीप फ्राई करना है। उसके बाद ये जो ऑयल होगा मैंने सारा निकाल लेना, बस थोड़ा सा ऑयल रहने वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आपको इस सिलसिले में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त इसे फ्राई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह इसे बनाना है। आप इसे बनाइएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ये बनेगी और नहायत ही लजीज बनेगी, आप यकीन कीजिए। और इसमें आपने कोई भी सवाल पूछना हो फेसबुक पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हर तरह से मदद करूँगा। ये मैं इस तरह की कढ़ाई बना रहा हूँ जो कि यहाँ पर इंग्लैंड में रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। मैं एज ए शेफ इंग्लैंड के रेस्टोरेंट में काम कर चुका हूँ और मेरा इसमें काफ़ी तजर्बा है। तो इंशाल्लाह आप जब इस तरह की कढ़ाई को बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी, इसका बहुत ही जायकेदार बनेगी ये इस तरह से। अब तकरीबन ये 7 मिनट हो गए हैं, मैं इसे ऑयल निकाल लूँगा। फ्राई करने के दौरान आपने इसे फुल आंच पे इसे बनाया है अब, लेकिन आपने आंच से ऑयल निकालने के बाद हल्की कर देनी है। अब मैं आप इसमें और आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें ऑयल आपने नहायत अब कम कर दिया है। इसमें आपने बस 2 चम्मच के करीब आपने ऑयल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें सिरका और लेमन जूस इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अदरक और लहसुन इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अदरक और लहसुन डालने के बाद इसे मैं इस तरह पका रहा हूँ ताकि ये इसकी खुशबू इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें ज़ीरा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने धनिया, उसके बाद नमक, चाइनीज़ नमक, और ये वाइट पेपर इसमें डाल दिया है मैंने।
इसमें थोड़ी देर बाद मैं पिसा हुआ कोकोनट डालूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें कोकोनट डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, अब मैं जैसे कि देख रहे हैं कोकोनट डालने के बाद इसे आपने इसे पकाना है। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये पक गया है तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है। इसमें असल टेक्निक ये है कि आपको अंदाज़ा करना है कि ये पक गया है, और जब ये इस वक्त पक जाएगा तो फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस वक्त क्रीम डालनी है। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे पका रहा हूँ। इस मौके पर आप इसे एक हफ्ते के लिए डीप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं इसे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग होटल का काम करते हैं, और इस मौके पर जब वो इतना बना लेंगे तो उसके बाद वो कोई भी आए हुए कस्टमर के लिए फ़ौरन ही तैयार कर सकता है, रेडी कर सकता है इसको, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्रीम डालनी है और काली मिर्च और कुछ चीज़ें डाल के तो फ़ौरन ये तैयार हो जाता है। तो ये इस वक्त ये मौका है कि जब मैं, लेकिन अभी क्योंकि मैंने ये खुद बना रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको अब बाकी बताऊँगा कि क्या करना है इसके। इसमें आपने गरम मसाला डालने के बाद इसे कभी भी फ्रीज नहीं करना, क्योंकि तो उसमें वो सारा ब्लैक हो जाएगा, तो इसलिए आपने मसाला नहीं डालना। और कोई मेहमान घर में आते हैं तो उनके लिए भी आप इस तरह बना के आप डीप फ्रीज कर सकते हैं इसे, तो जब वो मेहमान आएंगे तो उनके लिए आप बना सकते हैं फ़ौरन जल्दी में। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं आपने इसे अब फ्लेम, क्योंकि अब ये रेडी हो चुका है, आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है, और अब इसमें मैं क्रीम डाल रहा हूँ। आपने इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है इसे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से नहायत अच्छी खुशबू आ रही है, और कि आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त। बिस्मिल्लाह रहमान, अब मैं इसमें काली मिर्च और गरम मसाला डाल रहा हूँ, आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। आपने इसे स्लो फ्लेम पे इसे बनाना है। आपने जब भी कोई वाइट चीज़ डालनी है इसमें, समझे जैसे क्रीम डाली है, तो उसके बाद आपने स्लो फ्लेम पे इसे करना है। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि देख रहे हैं तकरीबन मैंने 4 मिनट इसमें क्रीम को पका लिया है। आपको जिस तरह भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे लगता है आप उस तरह पका, क्योंकि होटलों में रेस्टोरेंट में लोग इसी तरह के पसंद करते हैं क्रीम को, तो इसलिए मैंने इसी तरह से बनाया है इसे। मैं अब इसे इसी तरह रख रहा हूँ, और अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और जिंजर रख रहा हूँ। इसे मैं रख के बाद में आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इस तरह का लुक आया है। डिफरेंट होटलों में डिफरेंट किस्म के लोग तरह से लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से जिस तरह के मैंने आपको बताया बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपका होटल बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और आप जो लोग होटल का काम करना चाहते हैं वो इस तरह से बनाएं तो लोग लाजमन वो उधर का रुख करेंगे और लोग आपके डिश को पसंद करेंगे। अब मैं आपको इसे खा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनी है। वाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार जायका बना है इसका। हर मसाले का अलग से टेस्ट आ रहा है, और इसमें जो क्रीम है वो अलग से टेस्ट दे रही है। इतना मज़ेदार बना है कि आप अगर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी बताए गए तरीके से इसे बनाइएगा, और मुझे अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। कोई सवाल पूछना हो मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं आप। अब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।